नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में जो सामान्य ज्ञान की श्रृंखला डेली डोज में। ये वीडियो आपको रोज़ाना सुबह 8 बजे प्राप्त होता है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आगामी एग्जाम के लिए, और ये हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से हैं, जो अधिकतर एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न आपको मिलते हैं, जिसमें हम टॉप 10 प्रश्न लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। करते हैं प्रारंभ आज का कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? ठीक है, सभी ग्रह की जो 8 ग्रह हैं उनकी दूरी सूर्य से सबकी अलग अलग है, और जो परिक्रमा करते हैं तो वो भी डिफरेंट टाइम में करते हैं। ठीक है, 8 ग्रह कि जो परिक्रमा दिन है वो अलग अलग हैं, समय अलग अलग है। तो जो इसका आंसर है वो है बुध, क्योंकि बुध तो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है, प्लस इसका कोई भी सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है, और ये सूर्य के सबसे करीब है। ठीक है, सूर्य के सबसे करीब है ये, और इसको हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम इमेज। ठीक है, एक इमेज के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखो इमेज, इसमें जो ग्रह दिए हुए हैं ये क्रमवार दिए हुए हैं, आपको ये दिखाई पड़ता होगा। जो सूर्य है इसके पास आपको दिखाई पड़ेगा। ये यहाँ देखते हैं ये वाला, आप जाओ ये वाला, ये आपका कौन सा ग्रह है? ये है बुध ग्रह। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका मिलेगा शुक्र, थर्ड नंबर पे चले जाओगे तो ये आपके पृथ्वी है जो नीली दिखाई पड़ रही है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जाओगे तो आपके लिए ये मंगल है। ये आपका है बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है। ये आपका है शनि, इसमें जो छल्लेदार हैं वाले छल्ले पड़े हुए हैं, ये है शनि। इसके बाद ये आपका पड़ता है अरुण, और ये 8वें नंबर पे है आपका वरुण। तो इस क्रम में से आपको याद करने पड़ेंगे ये, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह से ये आपका कौन है? सूर्य है। ठीक है, तो सबसे पास वाला आपका बुध है ग्रह। तो ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता हो, और सबसे अधिक समय ये लेता है आपका, जो लास्ट में सबसे दूर ग्रह है वही लेगा सबसे अधिक समय, वरुण। अब देखते हैं कौन सा ग्रह कितना समय लेता है एक परिक्रमा करने में। ठीक है, ये देखो नंबर 1 पे आपका बुध है, इसको मरकरी प्लेनेट बोलते हैं, और ये दिन लेता है, समय लेता है 88 डेज। दूसरा है शुक्र, ये आपका लेता है 224.7 दिन। ये आपका पृथ्वी है, अर्थ है जहाँ हम निवास करते हैं, ये लेता है 365.2 से 2 और 6। ठीक है, 365.26 दिन का समय लेता है। अब आता है 4 नंबर पर मंगल, ये 687 दिन का समय लेता है, इंग्लिश में इसको मार्स बोलते हैं। अब बृहस्पति 11.9 वर्ष का समय लेता है ये। ठीक है, ये दिन का समय लेते हैं, इसके बाद ये सब जो रह जाते हैं ये वर्ष का समय लेते हैं। 4 हैं दिन का समय लेने वाले और 4 हैं वर्ष का समय लेने वाले। 11.9 वर्ष जुपिटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। इसके बाद आता है शनि, ये 29.5 वर्ष लेता है, सैटर्न बोलते हैं इसके इंग्लिश में। 7 हैं 84 वर्ष, यूरेनस बोलते हैं। वरुण है 164.8 वर्ष, नेपच्यून इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इतना समय ये सूर्य की एक परिक्रमा में लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 2। आप ये पृथ्वी का चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? ये नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपकी पृथ्वी यानी अर्थ।
इसका घनत्व कितना है? 5.52 ग्राम ऑब्लिक सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो ये अक्षांश पर झुकी हुई है वो कितनी झुकी हुई है? वो 23.5 या फिर 23/1/2, ये इतनी झुकी हुई है पृथ्वी, हमारी जो अक्षांश पे है वो झुकी हुई है। और इसके लिए नीला ग्रह भी हम कहते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ अधिक है, इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो ये पृथ्वी के बारे में जानकारी थी जो हमने आपके लिए बताई। अब क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, तो ये आपको सूर्य की इमेज दिखाई पड़ती होगी ये वाली, इस पर कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, दो गैसें पाई जाती हैं इस पर, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के लिए हम दिखाते हैं H से, और जो हीलियम होती है उसको हम HE से दिखाते हैं। इसमें ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, प्रश्न पूछा जाता है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये नोट कर लेंगे। इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है सूर्य के अंदर वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। इसका जो चारों तरफ का जो आवरण होता है इसके लिए क्या कहते हैं? इसके लिए कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, चारों तरफ का जो आवरण होता है इसको प्रकाश मंडल कहते हैं, और इसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं। जो सूर्य का हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम हेलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं, हेलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं। सब कंप्लीट हो गया इसका, अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा तापमान पर। ठीक है, जब तारे आपको दिखाई पड़ते हैं नीले सफ़ेद जो रंग बिरंगे हैं, तो वो उसके तापमान पे निर्भर करता है इसका रंग। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, किसके कारण कहा जाता है? ये हम अभी पहले बता चुके हैं, पानी के अधिकता के कारण, क्योंकि 71% पर पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? तो इसका आंसर होगा एरिस्टोटल ने। ठीक है, अब एक बात और रहेगी कि यहाँ पृथ्वी यही है आपकी और ये है सूर्य, तो सूर्य से जो प्रकाश जाता है पृथ्वी पर तो वो कितना समय लेता है वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें कई किताबों में आपको मिलेगा 8.20 यानी 8:20 या 8:16। ठीक है, इसके आसपास 20 से लेकर 15-20 के बीच भी जो भी ऑप्शन हो उस पर आप क्लिक करेंगे एग्जाम में इस प्रश्न आ जाए तो समय इसका जो 8:20 या 8:16 समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तभी तो जो पूर्व में सूरज निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला, ठीक है, अभी हम सबसे अधिक घनत्व वाला बता चुके हैं वो कौन सा है? हमारा अर्थ है पृथ्वी है, और सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा? शनि। ठीक है, इस पर छल्लेदार होते हैं तो शनि सबसे कम घनत्व वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि के लिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, यूपीटेट में तो कई बार आ चुका है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 21 जून होता है इसके लिए सबसे लंबा दिन होता है, और छोटा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में वो भी आप नोट कर लेंगे, 22 दिसंबर के लिए सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? ठीक है, आंसर है इसका अरुण, क्योंकि ये अपने जो इस पर धुरी है उस पर काफ़ी झुका हुआ है, अधिक झुका हुआ है, इसके लिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं।